पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को घोषित किया सीएम पद का चेहरा। सीएम केजरीवाल ने सर्वे का हवाला देते हुए किया ऐलान। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। केजरीवाल ने बताया पंजाब में सीएम पद के चेहरे के लिए 21,59,437 लोगों ने फोन पर मैसेज के जरिए भेजी अपनी राय। केजरीवाल के मुताबिक 93.203% लोगों ने भगवंत मान को माना सीएम पद का चेहरा। केजरीवाल के मुताबिक सर्वे में दूसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू रहे जिन्हें सिंगल डिजिट में वोट मिले। सर्वे से उत्साहित केजरीवाल ने कहा समझ ले भगवंत मान अब पंजाब के सीएम बन गए हैं, 93% जनता है उनके साथ। केजरीवाल ने कहा सीएम पद के लिए कराए गए सर्वे में मेरा नाम नहीं था, फिर भी बहुत से लोगों ने मुझे अपना मत दिया, ऐसे सुझाव अलग कर दिए गए। सीएम पद के लिए चेहरे के लिए भगवंत मान के नाम का ऐलान होते ही जोश में दिखे आप कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी। कॉमेडी को अपना करियर बनाने वाले भगवंत मान बाद में पंजाब पीपल्स पार्टी के जरिए राजनीति से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद दो बार चुने गए सांसद। पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मोहाली, लुधियाना, पंचकुला समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी। मोहाली में सुबह से ईडी की छापेमारी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर छापेमारी। 8 सदस्य टीम में एक महिला अफसर शामिल। मोहाली के होमलैंड हाइट सोसायटी में ईडी की छापेमारी। भूपेंद्र सिंह हनी के घर की 5वीं मंजिल पर ईडी की टीम मौजूद, खंगाला जा रहा है घर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने छापेमारी को बताया सियासी, खुद को आरोपों से किया मुक्त। सीएम चन्नी ने कहा 2017-18 की एफआईआर को आधार बनाकर डाली जा रही है रेड, तब मैं सीएम नहीं था। चन्नी ने कहा पंजाब कांग्रेस और मुझे दबाने की हो रही कोशिश, लेकिन पंजाबी कभी नहीं दबते। ये टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी के करीबी पर ईडी के छापेमारी का उठाया मुद्दा, सीएम चन्नी पर किया वार। पार्टियां जो है कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। दूसरी रवायती पार्टियां जो है कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अवैध खनन को लेकर सीएम चन्नी पर किया था वार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने छापेमारी को बताया सियासी, खुद को आरोपों से किया मुक्त। पंजाब कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, प्रमोशनल वीडियो में सीएम चेहरे के लिए चन्नी की हिमायत। सोनू सूद के बयान को भी वीडियो में किया गया शामिल। सूद ने कहा बैक बेंचर ही कर सकता है कमाल। चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वीडियो को पंजाब कांग्रेस ने रीट्वीट किया, सिद्धू खेमे में बेचैनी। सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धू खेमे ने कहा वीडियो को आधिकारिक नहीं माना जाए। पंजाब में 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होगा 117 सीटों पर मतदान, रविदास जयंती की वजह से चुनाव आयोग का फैसला। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोगों के सामने रखा रोडमैप, महिलाओं के लिए हर महीने 2000 और साल में 8 सिलेंडर का वादा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन, 28 साल से जेल में बंद दविंदर पाल सिंह भुल्लर को रिहा करने की मांग। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राघव चड्ढा ने कहा दलितों का किया गया इस्तेमाल। सीएम चन्नी के भाई ने सिद्धू को ठहराया टिकट नहीं मिलने का जिम्मेदार, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आजमाएंगे किस्मत।
चुनाव से पहले काशी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद, आज देंगे जीत का मंत्र। कार्यक्रम के लिए मांगे गए हैं सुझाव, चुनाव के ऐलान के बाद पीएम का पहला संवाद। बीजेपी का डिजिटल प्रचार पर जोर, बन रही रणनीति, पीएम भी नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। कांग्रेस की आज यूपी के लिए प्रतिज्ञा चौपाल, पूरे यूपी में होंगे कार्यक्रम। गांव मोहल्लों और वार्ड्स में होगी प्रतिज्ञा चौपाल, स्थानीय नेता करेंगे शिरकत। अलीगढ़ में होने वाली धन संसद रैली, यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के चलते टाला गया आयोजन। बिहार के बाढ़ में सीओ की गाड़ी में लड़की ने लगाई थी आग, पहले सीओ को प्रेमी बताया फिर लगाया यौन शोषण का आरोप। बाड़मेर में 50 साल पुरानी झोपड़ी को मशीन से दूसरी जगह किया गया शिफ्ट, दादा की बनवाई झोपड़ी से पोते को था प्यार। चंबा में जान जोखिम में डालकर टीम किशोरों को वैक्सीन लगाने पहुंची, टीम को पार करने पड़े 3 ग्लेशियर, बर्फ के बीच चलना पड़ा पैदल। संभल में बीजेपी के उम्मीदवार को बदलने की मांग, एक नेता पानी की टंकी पर चढ़ा। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले की साजिश, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। खुफिया एजेंसी के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर अटैक की ताक में है खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स। खुफिया एजेंसी दिल्ली पुलिस से साझा कर चुकी है 9 पेज का आतंकी हमले का अलर्ट, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जिक्र। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर दिल्ली में रची जा रही है आतंकी हमले की साजिश, निशाने पर है भारत के कई नेता। खुफिया एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस्लामिक आतंकियों के साथ बनाया नया गठजोड़। मार्च से शुरू होगा 12 साल से बड़े बच्चों का वैक्सीनेशन, बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच। 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का टीकाकरण तेज, 3 जनवरी से लग रहा है टीका। जनवरी के आखिर तक 15 से 18 साल के सभी बच्चों को लगेगी पहली डोज, अगले महीने दूसरी डोज। देश में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा अंकुश, 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 17 लाख के पार, 24 घंटे में 310 लोगों की कोरोना से गई जान। आईआईटी कानपुर का दावा, भारत में कोविड फरवरी के अंत तक होगा खत्म, कई राज्यों में पीक करीब। देश में कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी तक, 4 लाख केसेस आएंगे। कर्नाटक में लगातार बढ़ रहे केस, एक दिन में 27,156 मामले, 14 की मौत। तमिलनाडु में चिंता भरा हाल, एक दिन में 23,443 मामले, सिर्फ चेन्नई में 8,500 केस। 24 घंटे में बढ़े कोरोना मामलों में महाराष्ट्र पहले पायदान पर, 31,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी में 15,600 नए मामले, लखनऊ में 2,700, नोएडा में 2,100 मामले। पश्चिम बंगाल में 9,000 से ज्यादा केस, पॉजिटिविटी रेट 26% से ज्यादा। दिल्ली में 24 घंटे में 12,527 मामले, 44,762 टेस्ट हुए, संक्रमण दर 28%, 24 ने तोड़ा दम। राजस्थान में 2 दिन में कोविड से 11 मौत, 9,000 से ज्यादा नए केस। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अंदाजा, 15 दिन में कोरोना से 50% कारोबार चौपट। शिमला में कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फबारी से गिरा तापमान। हिमाचल के बिलासपुर, सुंदरनगर और कांगड़ा जिले के कई हिस्सों में 24 घंटे हुई बारिश, बढ़ी सर्दी। धर्मशाला में ठंड के साथ कोहरा बना मुसीबत, आवाजाही हुई दुश्वार। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से लुढ़का तापमान, बढ़ी कड़ाके की सर्दी, रोजमर्रा पर के जीवन पर पड़ा असर। जम्मू में कड़ाके की ठंड, जन सामान्य की दिनचर्या पर पड़ा असर। बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के औली में उमड़ रही है सैलानियों की भीड़, लेकिन रोपवे बंद होने से नाराजगी। हिमाचल के डलहौजी में हर तरफ बिछी है सफेद बर्फ की चादर, प्रसिद्ध पोलानी माता मंदिर बर्फ से ढका। चंबा के गांव में 3 ग्लेशियर्स को पार कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंची टीम, भारी बर्फ के बीच 40 किलोमीटर पैदल किया सफर। यूपी में सर्दी ने बढ़ाई परेशानी, जेवर इलाके में घने कोहरे से बढ़ी मुसीबत। प्रयागराज में सर्दी का सितम जारी, लोगों की बढ़ी मुसीबत। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, छाया घना कोहरा। भोपाल में कड़ाके की सर्दी के बीच देर रात व्यवस्था देखने निकले सीएम शिवराज, रैन बसेरों का लिया जायजा। बाराबंकी में अखिलेश को सीएम बनाने के लिए पूजा अर्चना, सीएम बनने तक जारी रहेगा अभियान। वडोदरा में पतंग के धागों की वडोदरा में पतंग के धागों की चपेट में आकर 800 चिड़िया घायल, वन महकमे ने बचाई जान। बाराबंकी में तेंदुए का खौफ, शहर में तेंदुआ दिखने से खौफ, कई जानवरों का कर चुका है शिकार। बाराबंकी में मिनी ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी।
असम के बुगाई गांव में एटीएम लूट मामले में मिला सुराग, हरियाणा से आए गिरोह ने दिया वारदात को अंजाम, एक गिरफ्तार। बिलासपुर में जबरदस्त लैंडस्लाइड, दो मजदूर दबे, एक की मौत। हाजीपुर में इंजीनियर की लाश दफ्तर में फंदे से लटकी मिली, परिवार ने कहा यह हत्या है। आगरा में 21 लाख की नकदी मिली, आयकर महकमा कर रहा है जांच। सीकर में हादसे में कई लोग घायल, सामने ट्रक आने पर ब्रेक लगाने से पलट गई बस। बारामती के बाद पुणे में चोरों ने गैस कटर से एटीएम को लूटा, दो दिन में दूसरी वारदात। रीवा में युवक को जिंदा जलाया गया, विधवा से मुलाकात पर परिजन थे खफा। हेट स्पीच मामले में नरसिम्हानंद की जमानत पर सुनवाई आज, जितेंद्र त्यागी की याचिका हो चुकी है खारिज। पेंच टाइगर रिजर्व में 29 बच्चों को जन्म देने वाली कॉलर वाली बाघिन की मौत, वन कर्मियों ने नम आंखों से दी विदाई। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन दान। राजकोट में पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, जालसाजी के हैं आरोपी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बुमराह ने जमकर की कोहली की तारीफ, साथ ही कहा अगर मिली कप्तानी तो मेरे लिए सम्मान की बात। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम के साथ होंगे रोहित शर्मा, चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से हुए थे बाहर।